नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। इस समय कष्ट निवारण समिति जो है कि बैठक चल रही है और उसमें लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कंवल पार गुज्जर जो है वो आप देख सकते हैं पंचायत भवन में मौजूद हैं। तो यहां पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तो उससे बात करने का प्रयास करते हैं। दो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमने दोनों उसको रखा है कि वहाँ हिंदी की भी कभी पढ़ाई होगी और इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे जो चीज़ लेना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकेंगे। शिक्षकों का तो टोटा चल रहा है पहले से ही सर, ट्रांसफर करके दूसरे स्कूलों में ज़्यादा नहीं तो भर्ती हुई नहीं है सर। कैसे सर शिक्षकों की बात की जाए तो नहीं, शिक्षकों के मामले में भी हमने निर्णय लिया कि अभी तक क्या था कि केवल और केवल स्टेट लेवल पर हम ट्रांसफर करते थे, लेकिन अभी हमने एडजस्टमेंट की जो पावर है वो DEO और DEEO दोनों को पावर दे दी कल कि वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कई जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं कि कहीं पे टीचर ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, और कहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं टीचर बहुत कम हैं, तो उसके एडजस्टमेंट से काफ़ी कुछ उसका समाधान। विधायकों सर देखिए, वो कल भी मुझे स्कूल की जो एक उनके जो नेता थे वो मुझे मिले थे, जो उनकी एक कमेटी थी वो मुझे मिली थी और उनके साथ ही मेरी बात हुई। मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने आप अपने संपर्क से आप ले आओ, अगर किसी की भी पेमेंट बकाया तो हम तुरंत पेमेंट उसकी देंगे, लेकिन कोई डिमांड तो करेगा। अगर कोई हमारे पास आएगा ही नहीं पैसे लेने तो ऐसे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिमांड करेंगे तो हम सारी पेमेंट। सर पंजाब सर 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 पंजाब सर ये केवल जो पंजाब ने दिया वो केवल बयान है, आप उसको नियम मान रहे क्या? बयान तो कुछ कुछ लगते रहे, बयान की कोई नहीं, हमने नियम बनाए दिया उनका बयान मारा नियम, हमने नियम बनाए दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, हमने नियम बनाए दिया, उन्होंने केवल बयान दिया। हमने नियम बनाए दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5 साल तक जो ड्रेस है बच्चे की उसका कलर चेंज नहीं कर सके, उनका तो खाली बयान है, वो बयान पे आधारित है, हमने काम किया। सर पंजाब के सर पंजाब के अंदर एक एक पेंशन हो गई है, पंजाब के अंदर पेंशन एक हो गई है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी एक पेंशन कर दे विधायकों की। आपकी सरकार दिल्ली में है, वहां क्यों नहीं करी उन्होंने? आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें निश्चित तौर से। उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसमें भी हमने एक कमेटी बना दी कि उसमें विचार करें कि कुछ स्कूलों ने हमें एक शिकायत मतलब उन्होंने सुझाव दिया था हमारे से कि जो NCERT की बुक्स हैं वो काफ़ी कठिन है कुछ, उसके उसमें हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है, वो दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं और उसमें ही ज़्यादा गड़बड़ है कि NCERT की जो पुस्तक है वो 50 रुपये की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपये की है, तो सारी लूट वहाँ है, तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं जल्दी। उसमें नहीं 134 है समाप्त, 134 है तो है ही नहीं, ये तो हमने एक योजना बनाई है, आप इसको एक योजना मान सकते हैं, हमने एक योजना बनाई कि हम बच्चों को जो अभिभावक हैं जिनकी आमदनी कम है उनको हम किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं, उस बेनिफिट के लिए हमने योजना बनाई, उसमें बच्चों को एडमिशन कराया। सर गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में स्टाफ की और बुक्स टीचर्स की बहुत कमी है, करनाल के बहुत। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी सर फर्नीचर की कमी है, अभी बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, फर्नीचर का भी हमने अभी ऑर्डर कर दिया, किताबों की अगली बार कोई कमी नहीं रहेगी, वो पिछली बार थी। एक सवाल, कोविड के मामले फिर से आने लगे हैं, उसको लेकर कोई मीटिंग वगैरह बढ़ गए? देखिए अभी इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कोविड के बारे में इस प्रकार की, तो अगर होगी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी कुछ जनरल। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी शिकायतें लेकर जो है वो यहाँ खड़े हैं कष्ट निवारण समिति में, कंवल पार गुज्जर जिन जो अभी स्कूलों की समस्या को लेकर जो है वो अपने क्या समस्या है आपकी?
दस साल से खिड़की दरवाजे बंद पड़े जी, क्या हो गया है? सरकारी खाड़ा है जी, सरकारी खाड़ा उस पर कब्जा करो रखे जी 10 साल से जी। तो आज कहाँ पर अपनी बात रखने पहुँचे हैं? मंत्री जी के पास अपनी बात रखने, मंत्री जी सुनने नहीं, अपनी बात लेके चले गए जी। हमारे को बोल रखे थे जी, हम आपसे बात कराएंगे जी, वो चले गए जी। आपकी क्या समस्या? वही समस्या जो फ्लैट की है, पैसे रिटर्न रिफंड देने थे उस रिकॉर्डिंग के अनुसार। हाँ जी सर, मेरे को बुलाया था, मैं आ गया था यहाँ, बात हो पाई? नहीं हो पाई, खाली नहीं, खाली फाइल ली बस, और कुछ नहीं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत परेशान है, एक साल से रेगुलर चक्कर काट रहे। कितनी समस्या आप तक, कितनी बार आप अपनी एप्लीकेशन दे चुके? मैं तो 12 साल हो गया, लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनते सुनाई नहीं करता। कितने फुट जगह है वो? 11 फुट जगह। हाँ जी, रास्ता है वो सारा सरकारी अजवाया, अब सारा ही रास्ते में कन्वर्ट हो चुका है, और सभी के खिड़की दरवाजे लगे पड़े हैं। मेरे दरवाजे वहाँ तोड़े गए, उसमें 23/7/2020 को मैंने खाली करवाया था, नगर निगम ने खाली कराया था दोबारा, फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बख्शीश सीट है, और उसके बाद सारी पुलिस प्रशासन भी रामनगर का था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मकान तोड़ दिया वहाँ पे, थोड़ा सा खाड़ में। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो तो अपनी फरियाद लेके यहाँ पर, आपको बता दें कि पीछे की तरफ अगर आप देख लें तो अभी यहाँ पर लोग बैठे थे, अपनी जो परेशानियां हैं करनाल के जो लोग हैं, आपको बता दें कंवरपाल गुज्जर इसी सीट पर अभी बैठे हुए, उन्होंने अपनी सारी बात जो है लोगों की यहां पर सुनी है। लेकिन ये भी बता दें कि अभी सिर्फ बात हुई थी, शुरुआत हुई थी बच्चों की जो स्कूल में पढ़ाई है उससे रिलेटेड, क्योंकि जो पिछले दिनों में जो लोगों ने समस्याएँ जो देखी हैं बच्चों की फ़ीस को लेकर हो, चाहे स्कूल के द्वारा और भी, चाहे बुक्स को लेकर हो, तो वो सारी परेशानियाँ जो हैं वो यहाँ पर सवाल रखे गए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर 134A की बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो तो फिलहाल खत्म है, वो सरकार की तरफ से एक योजना थी और वो उसे खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर जरूर है कि लोगों के लिए जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और स्कूलों को लेकर जो फीसें बढ़ाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि जो सरकार के बनाए जो नियम हैं उन पर स्कूल कितनी देर चलते हैं, क्योंकि बताया गया कि स्कूल को ये कहा गया है कि वो 5 साल से पहले स्कूल की ड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है 5 साल से पहले स्कूल की फ़ीस नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये सब कुछ जानकारी उन्होंने दी है, देखने वाली बात होगी आगे लोगों की समस्याएँ कितनी सुलझ पाती हैं। हालाँकि जब हम यहाँ पहुँचे तो मौके पर जो है काफ़ी सारे सवाल उनसे करने वाले थे जो अभी नहीं हो पाए हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ खड़े थे जो अपनी बात रखना चाह रहे थे, वो अपनी बात जो है उनको नहीं बता पाए, क्योंकि कंवरपाल गुज्जर हैं शिक्षा मंत्री, वो फिलहाल जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हुए यहाँ से चले गए। लेकिन आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। एक और यहाँ पर जो है परिवार के लोग पहुँचे थे अपनी समस्याओं को बताने के लिए, वो भी रोते हुए नज़र आए, और उनका कहना है कि फिलहाल उनकी बात को सुना नहीं गया। आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।